students on roll number 5001 and group 1 from BS Botany. Today our topic of presentation is Arthropod's blueprint of success. अगर सबसे पहले द वर्ड आर्थ्रोपॉड डिस्कस करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे पास जो आर्थ्रोपॉड है वो ग्रीक लैंग्वेज से डिराइव हुआ है। जो आर्थ्रो का लफ्ज है वो ग्रीक के अंदर हम उसको देखें इसका मतलब होता है आर्थ्रोमान जॉइंट जॉइंटेड, और अगर पॉड्स को देखें तो वो निकला वर्ड पॉड्स से, इसका मतलब होता है फुट। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म के जिनके हमारे पास जो फीट होते हैं वो अगर जॉइंटेड है तो वो हमारे पास हो जाएंगे आर्थ्रोपॉड्स। अब अगर हम आर्थ्रोपॉड्स को साइंटिफिकली देखते हैं सर्कुलेशन।
सर्कुलेशन के लिए, ब्लड के सर्कुलेशन के लिए ब्लड मौजूद नहीं है, तो फिर हमारे पास ये तो ऑटो से बात है, हमारे पास इनके डाइजेस्टिव ट्रैक मौजूद नहीं होगा। फिर ये इनकी जो चीज़ें वो कैसे मूव करेंगी, इनकी जो चीज़ें इनके बॉडी के जो वाइट मटीरियल होता है, वाइट मटीरियल स्पीक लाउड ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास मेटामॉर्फिज्म, मेटामॉर्फिज्म का जो प्रोसेस है ये भी इनके अंदर मौजूद होता है, लेकिन ये अक्सर इनके अंदर क्या करता है, जो कंपटीशन है उसको रिड्यूस करता है। और कब कब इनकी कंपटीशन को रिड्यूस करेंगे, जब ये हमारे पास एडल्ट स्टेज के ऊपर होती है। नेक्स्ट इनके अंदर हमारे पास क्लासिफिकेशन है, इनकी बेसिकली चार डी क्लासिफिकेशन होती है। अगर हम इनके रिलेशनशिप को स्टडी करें दूसरे एनिमल्स के साथ, अगर हम इनकी क्लासिफिकेशन और रिलेशनशिप को स्टडी करें दूसरे एनिमल्स के साथ, तो बेसिकली इनकी तीन चार हमारे पास क्लासिफिकेशन है और चार इनके हमारे पास क्लासिफिकेशन पॉइंट्स है। पहला पार्ट है कि अगर हमारे पास इनको हम एनिलिड्स के हिसाब से देखते हैं, आर्थ्रोपॉड और एनिलिड्स को हम देखते हैं, तो जो आर्थ्रोपॉड और एनिलिड के दरमियान दोनों के अंदर शायद सीधा सीधा फॉर्मेशन होती है। दूसरा पार्ट कि इनके अंदर जो माउथ की डेवलपमेंट होती है वो ब्लास्टोस्पोर से होती है, ब्लास्टोस्पोर ही आर्थ्रोपॉड और एनिलिड्स दोनों के माउथ को बनाता है। अगली बात कि इनके अंदर हमारे पास जो नर्वस सिस्टम है वो वेंट्रल नर्वस सिस्टम है, जो वेंट्रल कॉर्ड्स वेंट्रल ही होगी ना, अगर नर्वस कॉर्ड्स को देखें तो वेंट्रल ही होगी। अगली बात इनके अंदर हमारे पास मेटाबॉलिज्म का फिनोमेनन होता है, मेटाबॉलिज्म हमने किसके अंदर देखी है, आर्थ्रोपॉड्स में देखी है ना, तो जो मेटाबॉलिज्म हमारे पास मौजूद है आर्थ्रोपॉड्स का वो एनिमल्स में भी मौजूद होती है। नेक्स्ट हमारे पास सब फाइलम, तो इनके हमारे पास बेसिकली चार सब फाइलम है, बाकी बुक के अंदर उसने तीन मेंशन की है, चौथा भी मेंशन किया हुआ है, लेकिन चौथे को सर नाम भी नहीं रखा प्रॉपर्ली, इसलिए नहीं रखा, वो चौथा हमारे पास एक्सटिंक्ट है। पहले हमारे पास है काई सिरेटम, दूसरा हमारे पास क्रस्टेशिया, तीसरा हमारे पास यूनिनेमिया, और चौथा हमारे पास ट्राइलोबाइटोमॉर्फा, जो हमारे पास अभी तक एक्सटिंक्ट है, जो भी प्रॉपर्ली मौजूद इसकी फाइंडिंग्स नहीं है। नेक्स्ट उसने जनरल इंफॉर्मेशन दी है कि हमारे पास अभी तक जो आर्थ्रोपॉड्स हैं उनकी 30 से 50 मिलियन स्पीशीज फाइंड आउट कर ली गई है, लेकिन 30 से 50 मिलियन स्पीशीज में से हमने जो नोन कितने मुश्किल बन गई हैं, तो आप खुद अंदाजा लगा लो कि हमारे पास आर्थ्रोपॉड्स की डाइवर्सिटी कितनी ज्यादा है, और उस डाइवर्सिटी में से हमारे पास कितने नोन हैं, तो सिर्फ 1 बिलियन नोन है। अब अगर हम इनके एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को देखें, तो एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के अंदर ये हमारे पास क्रोमोसोम के अंदर आते हैं, आपने बेसिकली दो तीन क्लास पढ़े होंगे, क्रोमोसोम में पढ़ा, क्रोमोसोम पढ़ा, तो जो क्रोमोसोम के अंदर आर्थ्रोपॉड आते हैं ठीक हो गया। तो ये हमारे पास था आज का आर्थ्रोपॉड्स की बेसिक क्लासिफिकेशन, उसके रिलेशनशिप, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और उसकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है, वो नेक्स्ट मेरे लिए आपको डिस्क्राइब करें।